दोस्तों एवीटी चैनल पे आप सबका स्वागत है। अब हम कर रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन क्लास 9th। दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर और एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। एंड हमारे को ये टू प्रूफ करना है कि ए आर इज इक्वल टू बी पी यानी बी बी, ये हमें प्रूफ करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ ट्राइंगल वैसे कंसिडर कर रहे हैं पी क्यू बी, हम ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं आर क्यू ए, राइट। मतलब मैं आपको बताऊँ तो एक ट्राइंगल ये ले रहे हैं हम और एक ट्राइंगल हम ये ले रहे हैं, राइट। तो हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं और उसके लिए हमारे को देखना है कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या अवेलेबिलिटी यहाँ पर आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक तो एंगल थ्री और एंगल टू के बारे में कुछ नहीं केवल, लेकिन ध्यान से देखिए एंगल एक्स जो है वो एक्सटीरियर है, एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल टू, एंड जो वाई इज इक्वल टू है वो थ्री प्लस वन है। तो यदि एक्स और वाई इक्वल है सो वन प्लस टू इज इक्वल टू वन प्लस थ्री, तो एंगल टू और थ्री इक्वल है। पी क्यू बी में थ्री आ रहा है और आर क्यू ए में टू आ रहा है, और सबको मालूम है क्वेश्चन में पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है, दिस इज गिवन क्यू आर एंड दिस इज प्रूफ्ड। अब यदि मैं ये ट्राइंगल देख रहा हूँ, मैंने एक ये साइड ले ली, एक ये एंगल ले लिया, एक एंगल मैं ये ले रहा हूँ, सबको मालूम है एंगल क्यू दोनों में कॉमन है, राइट ये कॉमन है। सो ट्राइंगल पी क्यू बी इज कॉन्ग्रेंट टू पी के साथ आर आ जाएगा, राइट, और क्यू के साथ क्यू और बी के साथ बी, तो बाय दिस इज बाय ए एस ए। उससे क्या हुआ, ध्यान से देखिए, दिस इज योर पी बी, पी बी इज इक्वल टू आर ए विच इज ए आर सी पी सी डी सी, तो हेंस प्रूफ।